शाक्य गुरुजे बुद्धि शाक्य गुरुजे बुद्धि शब्द गुरुजे बुद्धि नाम किसका प्रभु का पावन नाम सतगुरु मेरे राम मुझको दर्श कराओ हे सतगुरु मेरे राम मुझको अंतर वेद न जानू कोई अंतर बहुत कठिन और रात में रोई बहुत दिन और रात में रोई हे सतगुरु मेरे राम अंतर दर्श कराओ हे सतगुरु मेरे राम अंतर दर्श कराओ नाम की माला सीख नहीं पाई नाम की माला सीख नहीं पाई एक तो बसी अंतर चतुराई एक तो बसी अंतर चतुराई सतगुरु दया निदान अंतर दर्श कराओ सतगुरु निदान अंतर दर्श कराओ भेद अनामी का तुमने दीना भेद कर दिया दुनिया ने जीना मुश्किल कर दिया दुनिया ने जीना हे सतगुरु मेरे श्याम अंतर दर्श कराओ हे सतगुरु मेरे श्याम अंतर भेद पाच तुमने बतलाए भेद पाच तुमने बतलाए अपना भेद भी नहीं छुपाए अपना भेद भी नहीं छुपाए चलिया वो मेरे राम मुझको दर्श कराओ दीन बंधु दाता मेरे स्वामी दीन बंधु दाता मेरे स्वामी तुम्हारे चरण करतन मामी तुम्हारे दरस करूं तब प्यास बुझानी दरस करूं प्यास बुझानी दरसन सतगुरु राम मेरी प्यास बुझाओ दरसन सतगुरु राम में प्यास बुझाओ नामायण करो
सतगुरु मेरे राम मुझको दर्स कराओ। हे सतगुरु मेरे राम मुझको दर्स कराओ। प्रेमियों, ये सूरत दो प्रकार के दर्शन मांगती है, एक तो बाहर से और दूसरा अंदर। तीसरा कोई दर्शन नहीं मांगती, अंदर में भी हो और बाहर में भी हो। जब बाहर में स्वामी सदगुरु अपना नामी सामने बैठा रहता है तो उसका शिष्य शेर की भांति होता है। जब अंदर में सदगुरु बैठ जाता है तो उसकी गति कुछ दूसरी हो जाती, उसका शरीर ढीला और हल्का, चुपचाप, मन मस्त, एक हाथी के समान चुपचाप शरीर उसका होता है और बैठा रहता है। वो अंदर में है, अंदर के दर्शन को वो खुद ही देख रहा है या उसके सदगुरु देख रहे हैं, कोई दूसरा तो नहीं देख रहा। जब तक राम या कृष्ण या सदगुरु या स्वामी बाहर से ही नर मानव पोल पर इस दुनिया को कुछ नहीं बताएंगे तो ये दुनिया वाले मानने वाले, और दुनिया वालों के छोड़ दो अपने गुरु भाई बहन ही नहीं माने, क्योंकि आत्मबोध आत्मज्ञान उनको होगा नहीं, बताया जाएगा वहां जाएंगे नहीं, और जो कुछ कहा जाएगा उसको समझेंगे नहीं, काम बनेगा। तो इसलिए ये कदम सतगुरु की जरूरत है। सूरतों का भंडार तो बहुत बड़ा है पर सतमत चलने के लिए ये कदम सतगुरु की जरूरत होती है। भजन करने के लिए साध का संग की जरूरत होती है। इसीलिए कहा जाता है साधु संग में देव नित्य परम गुरु दाता है। नित्य प्रति रोज हमें साध का संग मिलता रहे, साध का संग मिलेगा, साधना बनती रहेगी, वो जहां तक जाएगा उसके पीछे पीछे हम भी चले जाएंगे। अब दूसरा स्वार्थ सूरत का क्या है कि स्वामी अगर अंदर बाहर दोनों तरह से मिल जाता है तो बाहर भी अपनी विथा कह लेंगे, अंदर में साथ, जहां तक जाएगा वहां तक चले जाएंगे। दोनों मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो ये सूरत हरि के धाम पर गई, इसने स्नान किया, खूब मंगलाचार गीत गाए, चंदा तारे के दर्शन को किया, मेर सुमेर को देखा, बहुत सी चीजों को इसने वहां पर देखा। अब रामकार प्रभु के देश को ये देख रही है, अपने स्वामी सदगुरु का वर्णन भी कर रही है, उनके महिमा का गुणगान कर रही है। अब इसे धीरे से अंदर में आदेश हुआ कि चल रही आगे, चल आगे चल, और अपने देश की तरफ अभी मंदिर दूर है। तब ये अपने पंखों को फड़फड़ाती है, हंस रूप हो जाती है, उड़ान भर देती है। अब उस पक्ष सफेद मैदान में कितना लंबा चौड़ा है जिसकी कोई नाप तौल नहीं है, उसमें ये उड़ती हुई अपने सदगुरु के साथ चली जा रही है। ये महाकाल का देश है, महाशून्य मैदान है। शून्य से तो निकल गई, अब महाशून्य में ही जा रही है। किले में चार गेट है पर गेट भी ऐसे अद्भुत है कि जिसे देख करके हाथ पैर फूल जाए, डर लगने लगे। ऐसी कारीगरी, ऐसी बनावट, अब जैसे आप लोग देखते होंगे कि माता रानी का पंडाल सजा हुआ है, नवरात्र आ गया। जब गुफा बनाया तो कहीं घड़ियाल का मुंह बना दिया, ऐसे
और थोड़ा सा अंधेरा कर दिया, जब अचानक कोई पहुंचा इधर से घूम फिर के, अरे बाप रे, वही स्थिति मतलब बना हो एक कीड़ा है, पर उसको देख करके एकदम से रोए खड़े होते। उसमें सदगुरु ही पीठ थपथपाता, अरे चलो बच्चों ये तो गेट है, दरवाजा है, अंदर चलो, खिड़की खोलो और उधर जरा नाच गाने की धुन हो जाए, तो यहाँ तो कोई नाचता नहीं, अगर आप लोग नाचने लगो ना तो स्वामी जी महाराज जल्दी आ जाए। सपरू जी महाराज नाचने लगे, वो सुन के महाराज आ गए, निजामुद्दीन औलिया, और आप लोग नाचते हो नहीं, इसीलिए तुम्हारे महाराज कहते हैं अभी क्या जाए, रंग चढ़ा ठीक से है। तो प्रेमियों ये सूरत उधर धसती है, महाकाल पुष्प के किले में भंवर गुफा में जाती है, और अब भंवर गुफा में जाकर के अपने सदगुरु के स्थान पर पहले सांस लेती है, आराम करती है, सुमिरन ध्यान भजन करती है, धोनी सदगुरु की लगी हुई है वहां, और ये सूरत बैठ जाती है, साधक प्रेमी बैठ जाते हैं, आराम से भजन करते हैं, कान में उंगली लगा करके इधर से उधर, जैसे यहाँ होता वैसे वहां भी होता, कोई फर्क नहीं, जैसे यहाँ वैसे अभी तो वहां भजन करना ही है। अब नाम भजन चालू हो गया तो किस तरह भजन चालू हुआ, यहाँ बाह्य मुख से इसमें सतगुरु नाम भजन मन लागे, सतगुरु में सुरत ये जागे, मतलब सतगुरु नाम भजन मन लागे और सतगुरु में सुरत ये जागे। ये वहां की महिमा, अगर इसी तरह यहां कह दो कि सतगुरु नाम भजन मन लागे और आप में ही मेरा मन जागे कहीं भागे ना, तो काम पूरा का पूरा बन जावे। अब महाकाल पुष्प के देश में गए, सब कारीगरियों को देखा, उस मंडल को देखा, उस किले को देखा, और महाकाल पुष्प के भी दर्शन को किया, तो यहाँ पिंडी स्वरूप महाकाल पुष्प को काले काले बना दिया, और वहां तो सूर्य के समान वो चमक रहे, मुरली उनके हाथ में है, बज रही है, और वहां ताता धिन्ना सुनते नाच। अब जब भगवान को देखेगा भक्त को नाचेगा तो है ही, ये लीला ही वहां की ऐसी है। धीरे धीरे नाचते गाचते कुछ दिन बीतते, बताते गुरु महाराज के पास आते और जाते, जब पूरा कंठस्थ हो गई तो धीरे से गुरु महाराज ने उसको उठा करके अपने बीच में कर दिया, अब सब धाम में कर दिया। जब सब धाम गई तो सत्पुरुष के दर्शन को किया, कुछ दिनों तक रही, फिर अलग पुरुष के दर्शन किया, कुछ दिनों तक रही, अगम पुरुष के दर्शन किया, फिर कुछ दिनों तक रही, अनानी के दर्शन कर लिया, उसके बाद में एक रास्ता बता दिया, इधर से चले आओ इधर से चले जाओ, अब केवल गुरु और शिष्य कोई दूसरा नहीं, मामला सब सफा चाचा, ना ये मिलेंगे ना वो मिलेंगे ना वो मिलेंगे ना वो मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा, जैसे आंख बंद किया मुझे उन्हें समय भयो पुंछ तवत कोसल, ओ असली कोसल पुर आदि अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष, जो अनामी महाप्रभु जैसे आंख बंद किया वैसे वहां, आंख खोल दिया तो फिर आ गए बड़े राधाम में, आंख बंद कर लिया फिर ऊपर, फिर आंख खोल दिया फिर बड़े राधाम में, यही सिलसिला चल रहा, कोई भजन वजन की जरूरत नहीं। फिर भी इस संसार में रहने के लिए यहां जब रह रहे हैं, मनुष्य जीवन है और लोगों से मिलना जुलना होता है, तो सुमरण करना होता है, सुमरण करने से मेलाई धुल जाती है और याद बनी रहती है,
घमंड नहीं आता है कि प्रभु अनामी को प्राप्त कर लिया भी लोगों की क्या जरूरत है, जरा करो, ये नहीं होता है। तो गंभीरता आती है, बलवती होती है, सुरत ऊपर नीचे आती जाती रहती है। इधर का ख्याल सुनो, प्रभु राम के वियोग में इंतजार में माता शबरी अब जो हो रही है, अभी उनकी अवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। अब धीरे धीरे वो रोज बहाती है रास्ते को, फूलों को बिछाती है, भोग को का इंतजाम करती है। आज तक आज मेरे प्रभु राम आए हैं, आएंगे, शाम हो जाती है, नहीं आए। फिर सुबह वही दिनचर्या, और जब पानी लेने जाती है तो कहती है छूत है, छुआ छूत का जमाना था तब, कि ये छूत है, अछूत नीच जात का है, इसको दूर करो, ऐसा पड़ताड़ना। पर जो नीचे झुकता है, नीचा होता है, जो सदावान होता है, दयावान होता है, उसी को कुछ मिलता है, ऊंचा है, बहुत बड़ा, खजूर की पेड़ की तरह, पंछी को छाया नहीं फल लागे हत, फल भी बड़ी दूर लगता है और पंछी जी को छाया भी नहीं मिलती, ऐसे पेड़ से क्या लाभ है। पर आप लोगों को लाभ होगा, क्योंकि सऊदी और दुबई वगैरह से वो पिन खजूर आते हैं, चार छह अंदर घटक गए तो का सेहत थोड़ा दुरुस्त हो जाएगा। वैसे अपने यहां भी होता होगा, ऐसा नहीं है, भारतवर्ष में भी खजूर की पैदाइश होती होगी, मैंने तो पता लगाया नहीं, आप लोग पता लगा के रखे होंगे। नारियल वगैरह तो होता है, सुपारी वगैरह होती है, तो खजूर भी होता होगा। भारत छोटा मोटा नहीं है, अभी तो हमारे दृष्टिकोण से वो बहुत बड़ा है। ये झूठो मोटो बर्मा लंका चीन तिब्बत फलाना धमाका कर रहे हैं तो पुराना भारत है, पाकिस्तान पाकिस्तान ये सब भारत है। तो अभी भगवान के यहां वो भारत ही है, यहां पर चाहे जो कुछ कह दे पर वहां पर वो भारत है। भारत देश महान, जिसकी ऊंची शान, और ये उत्तर प्रदेश एक ऐसा उत्तम प्रदेश है कि अब तक जितने भी प्रभु के अवतार हुए इसी प्रदेश में हुए हैं। प्रभु के अवतार इसी प्रदेश में हुए, इस प्रदेश में जगह जगह पर उनकी स्थापना, यहां ये जन्म लिया, यहां ये अवतार, वहां वो अवतार, वहां वो अवतार, वहां वो अवतार, हर प्रकार के अवतार। और धर्म की धुरी क्या है? काशी नगरी। काशी में, अयोध्या में और मथुरा में धर्म का धुरा पड़ा हुआ है। इस धर्म नगरी से समर संत कबीर साहब ने अलग जगाना शुरू किया, पांच नाम का नाम दान देना शुरू किया, और ये भी कहा हंसा मत पछताइयो, हम फिर आएंगे, गंगा की रेती पर फिर से यज्ञ रचाए। हंसा फिर मत पछताइयो, हम फिर आएंगे। तो ये जो तुम लोग बैठे हुए हो हंस और हंसनियों के रूप में, अब आप देवियों को कुछ कहेंगे नहीं तो कहेंगे हंस कह दिया और हमारा नाम ही नहीं लिया। तो चलिए भाई, दोनों तरफ से हंस और हंसनिया, अब बहुत सी हो तो हंसनिया अगर एक हो तो हंस भी कहेंगे। तो हंसों की जमात में
तो कहते ही है, सिंहों के नहीं रेहड़े संत की नहीं जमात। संत की कोई जमात नहीं होती और सिंह कोई लेहड़ा होता। सिंह तो सिंह ही होता। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे स्वामी ने कहा बच्चा ये पेड़ लगाया है, फल खा करके ही जाऊंगा। अब अगर वो किसी तरफ चले गए तो उन्होंने ये बताया था, खोजरी पिया को निज घट में, दूसरा रास्ता था, आपको घट में खोजना चाहिए था। आप ये बाबा के वो बाबा के ही जगह वो जगह कुशीनगर कुशीनगर दूसीनगर इधर उधर, अरे हाथ पैर माते 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 घिस गए। जब घिस गए तो कहा शिव चर्चा में चले चलते हैं। कुछ लोगों ने कहा राम खर्चा में चले चलते हैं, कुछ लोगों ने कहा रामपाल में चले चलते हैं, कुछ लोगों ने कहा धर्मपाल में चले चलते हैं, तो कुछ लोगों ने सोचा कि अब त्रिपक्त गामिनी में बट जाते हैं और जो अभी खोजी है वो खोज करके धाम बड़ेला आते कि चलो अपने स्वामी का अगर अंदर ही से दर्शन हो जाए तो क्या बुरी बात है। अरे बाहर से नहीं हो रहा, अंदर से तो होगा। बात तो एक ही चीज की, चाहे अंदर से हाथ रख दे चाहे बात है। अगर स्वप्न में गुरु महाराज आए और उन्होंने तीन बार सर ठोका और आंख खुली तो अरे बापरे बाप, आज तो स्वामी महाराज ने तीन बार सर ठोका, पूरी दया मेरा मिल गई और पूरा आनंद आ गया, आज तो पूरा दिनचर्या बिल्कुल खसखरा तो बताया ये हो जाएगा और उसके बाद में हिम्मत करके गए और सारा काम हो गया। क्या वाह गुरु महाराज, बहुत आनंद रहा, आज सारा काम हो गया, पूरा काम बन गया, जेब पूरी फुल हो गई बिल्कुल, और शाम को आपके लिए भी निकाल के कुछ रख देंगे, कुछ रख देंगे, कुछ रख देंगे, याद रहेगा तो स्वामी जी महाराज, नहीं आप ही निकलवा लेना। मतलब दिया भी निकलवावे भी इनको निकालना नहीं, अब लारा चाह गए कि जेब भर गए, स्वामी जी महाराज कुछ रखेंगे। और स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चों गुरु का दशमांश बराबर निकालते रहना, कैसे भी बांट आ जाए, भिखार आ जाए, भूखा आ जाए, प्यासा आ जाए, खिलाते रहो पिलाते रहो। धर्म करने से दान करने से धन नहीं घटता है, वो बढ़ता ही जाएगा। अब आप लोग आए थे कम से कम दो दो बोरी चीनी सर पे रख के लेकर के आते और दो दो जो है गत्ता गिलास और पूरी एरिया में जो है गुहार लगा दिया जाता। अगर शरबत पीने के लिए नहीं तैयार होते तो रसगुल्ले बनवाए जाते, वो तो खाते, बता दिया जाता भैया भांग वाला नहीं है, बाबा जी गुर्दियों वाला खाओ, मीठे मीठा रहेगा, धरो घट से सट से अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अगले बार तो यही किया जाएगा है, लेकिन किया तब जाएगा। तुम जितने लोग आए हो एक आग चित्त होकर के सच्चे मन से इस प्रांगण में बैठो और मैं भी बैठता हूं, मैं भी भगूंगा नहीं, मैं भी बैठूंगा और अंतर मन से एक ही चीज का भजन सतगुरु जी गुरुदेव का करो और अंतर में प्रार्थना करो स्वामी जी महाराज से। ठीक, स्वामी जी महाराज इधर है, अब इधर से इधर निकलेंगे, मुझको भी दहशत लगती इसलिए मैं उठ लूंगा, मैं सबसे पीछे कहीं बैठ जाऊंगा एकांत में। तो आप लोग भजन करते ही रहेंगे और हे मालिक जल्दी करो, अब बाहर से भी दर्शन मिल जाएगा। तत्पश्चात प्रार्थना, फिर तुमको प्रसाद मिलेगा वरना आज प्रसाद बटेगा। तो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सब लोग साधना में ध्यान बजा ध्यान में जिस बात बने किस में तारा मन से तुम्हारा मंत्रण, अंतर मन से तुम्हें दरस मिले बाहर नर पोला, दरस मिले बाहर नर पोला, मिटाए भरम सबका
विनती हमारी स्वीकार कर जाओ, विनती हमारी स्वीकार कर जाओ। सतगुरु हे स्वामी हम तो चरणन के सेवक, सतगुरु स्वामी हम तो चरणन के सेवक। तुम हो या नामी अनंत हम है सेवक, तुम हो नामी अनंत हम है सेवक। नैया के वट की तरे पार लगाओ, नैया के तेरा पार लगाओ। हे सतगुरु मेरे जल दियाओ, हे सतगुरु मेरे जल्दी आओ। सत्य गुरु जय बोले, सत्य गुरु जय गुरुदेव। अंतर मन में आप लोग तेर लगाते रहो और टहलते घूमते रहो। अभी संध्या बेला में फिर कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ सुनाया जाएगा। छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो, फिर आपको प्रसाद मिलेगा। अभी आप चक्कर में मत रहना कि अभी हमको प्रसाद देंगे तो खाएंगे। अब शाम को मिलेगा, शाम को ही मिलेगा। अगर आप लोगों में से किसी को अनुभव हुआ हो, गुरु महाराज ने कुछ बताया हो, तो आप यहाँ आकर के बता दो। और अगर कुछ नहीं हुआ तो बात खत्म भाई, बात खत्म। जबरदस्ती वाला कोई काम नहीं। ठीक, सतगुरु जय गुरु।